राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। निनाद जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड में आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। अब आज थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तो दावा ठोक ही दिया है कि नेक्स्ट ईयर भी वो ही आ रहे हैं, नेक्स्ट टर्म भी होगा उनका, और साथ ही साथ बाकायदा बड़ा ब्रूटली हम कहें तो परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, इस पर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से लपेटे में लिया पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ओपोनेंट्स को, ख़ास तौर से कांग्रेस को। अभी जनरल दयाल हमारे साथ थे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि वो अपने भाषण में थोड़ा सा संभवतः ये भूल गए कि वो लाल किले पर है और पॉलिटिकली वो ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड है, ये एक इलेक्शन ईयर है, पर एक प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, उनकी सरकार है कि वो एक तो देश के युवाओं को और सभी देशवासियों को मोटिवेट करें, एक उस तरह की स्पीच होती है, जिसे आप पॉलिटिक्स कहते हैं उसको मैं एक तरह से पार्टिसिपेशन समझता हूँ कि भाई हमारा जो एजेंडा है वो ये एजेंडा है, इस एजेंडे से आपको ये फायदे मिले हैं, और अगर आप ऑपोजिशन के साथ देखेंगे तो वहां पे ये नुकसान हो सकते हैं। तो एक इलेक्शन ईयर की स्पीच में थोड़ा सा पॉलिटिक्स आना मेरे को नेचुरल लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रधानमंत्री ने पॉलिटिक्स के आगे जो बोला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का स्टेज अब सेट है और इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया चाहे तो ले सकती है। अब हम एक चीज भूल जाते हैं, ये स्टॉक मार्केट चैनल है और मैं खुद गुजराती इन्वेस्टर हूँ, हम कई बार भूल जाते हैं कि जो अंडरलाइंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है उसका जो एडवांटेज मिलता है इकोनॉमिक को, ग्रोथ को, पर्सनल वेलबींग को, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। एक फ्रैक्चर्ड कंट्री जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है, दो कंसेक्यूटिव सिंगल पार्टी मेजोरिटी आने से जो स्टेबिलिटी मिलती है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, उसका जो फायदा है, मेरे ख्याल से एक प्रधानमंत्री उसका भी हिंट कर रहे थे कि थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव अगर सिंगल पार्टी मेजोरिटी आती है तो आपको एक रनवे मिलता है जिससे एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ करता है वो आराम से कर सकता है। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल, इनफैक्ट ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा रहा है। अगर कोई बाहर की भी जो एजेंसीज हैं वो भी अगर आकलन करती हैं किसी देश के इकोनॉमिक पोटेंशियल का, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, उसी को वो एक सांचे में ढालने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, स्वाभाविक भी है। बिल्कुल सही कहा निनाद सेठ जी ने, एक इलेक्शन ईयर है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपने थोड़ा सा पॉलिटिकली जो इंक्लाइंड जो उनका एक रुझान रहा है उसको बड़ा स्पष्ट तरीके से वो कहेंगे, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। अब